दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में टोटल कितने सम है? टोटल 10 सम है। हम यहां पे 5 सम दिखाएंगे आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या मालूम है, यहां पे आपको एग्जैक्टली रैशनल और इरैशनल के बारे में अच्छा खासा डिफरेंशिएशन मालूम हो जाना चाहिए। सो देखते हैं हम लोग रैशनल और इरेशनल क्या होता है। व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो होता है जिसको ए अपॉन बी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जो रूट और रूट प्राइम नंबर, मतलब रूट के नीचे, रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा, रूट के फॉर्म में होगा, वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं बोलूं कि रूट फोर इरेशनल नंबर है क्या? नहीं, रूट फोर नहीं, बिकॉज रूट के नीचे प्राइम नंबर नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर नहीं है। सो अब बात आती है कि रैशनल इरेशनल नंबर का होता क्या है, मतलब उसका जो डेसिमल जो एक्सपांशन होता है वो कैसा होता है। इरेशनल नंबर क्या होगा मालूम है? इरेशनल नंबर कभी भी 21532 कभी भी खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और कभी भी रिपीट नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इसको, ये है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। और उसके बाद रैशनल नंबर का क्या होता मालूम है? रैशनल नंबर क्या होता है एक तो इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, या तो 2.5, 3.6 ऐसा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट क्या मालूम है, नॉन टर्मिनेटिंग अगर होंगे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिकरिंग होगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर 2/3 क्या होता है? 0.66666 रिपीट होता रहता है, ठीक है। सो उसको हम लोग बोलेंगे रिकरिंग, रिकर होता रहता है बार बार, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको अगर रैशनल नंबर आइडेंटिफाई करना है, सो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि वो नेवर एंडिंग हो या ना हो, उसे फर्क इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो रिपीट अगर हो रहा होगा, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं वो रैशनल नंबर है, या तो फिर वो टर्मिनेट हो जाए। और टर्मिनेट होना भी एक खासियत है रैशनल नंबर की, ठीक है, अगर हम इरेशनल नंबर से कंपेयर करें तो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ये सम क्या कहता है, इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी को रेफरेंस में लेके हम ये सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन स्टेट, द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इसमें एक और नया चीज आपके लिए लाया हूं मैं। इसमें नया चीज क्या है, ये चीज मैंने क्यों समझा, क्योंकि ये पूरे एक्सरसाइज में इसका यूज होने वाला है। अब इसमें नया क्या मालूम है, कभी भी आपके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर अगर 2^n या 5^n के फॉर्म में आए, 2 और 5 रहे डिनोमिनेटर में, 2^m 5^n इस फॉर्म में अगर आए, या तो फिर इंडिविजुअल, या तो फिर खाली 2^m या सिर्फ 5^n, ठीक है, या कॉम्बिनेशन में, तो वो जो पूरा डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। देखते हैं, चलो इधर देखते हैं। और यहाँ पे अगर पहले की बात करूं, सो 13/3125 तो ये हो जाएगा 13/3125। 3125 जो होता है ना, वो होता है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, मतलब क्या हो गया, 13/5^5, ठीक है। इसका मतलब नीचे 5 की फॉर्म में है, 5^n समथिंग, सो दिस इज क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, दिस विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं हम लोग, ये तो पहला था,
17 अपॉन 8, दिस इज 17 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, 2 टू द 4 टू द 8, ये क्या हो जाएगा, ये अगेन 2 रेज टू 3, मैंने बोला ना या तो ओनली 2 या तो ओनली 5 वाला या तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, 2 रेज टू n के फॉर्म में है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग, अगेन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन इस तरह से। उसके बाद तीसरे की बात करते हैं हम लोग, तीसरे में क्या है, 64 अपॉन 455, ये क्या हो जाएगा, 64 अपॉन इसका क्या होगा, 5 × 13 × 7, अगर इसको आप एक्सपांड करोगे ना, 5 × 13 × 7, 5 तो है, 13 भी है, 7 भी है, नहीं चाहिए वो, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद फोर्थ वाला क्या है, 15 अपॉन 1600, इसको एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, 15 अपॉन इसको एक्सपांड करोगे तो हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 5 × 5, ऐसा इसको एक्सपांड करोगे तो ऐसा 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 64, 5 कितना हो जाता है, 320, और 320 × 5 1600, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 2 रेज टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 5 रेज टू पावर 2, 2 और 5 के फॉर्म में है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5, नीचे 2 रेज टू समथिंग 5 रेज टू समथिंग है, क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग, क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाले में क्या होगा, 29 अपॉन 343, अगर इसको एक्सपांड करोगे ना तो 29 अपॉन 343 मतलब 7 × 7 × 7, अब 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, क्या करोगे, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया, इसमें हमने 5 सब क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से अप्रोच लगाना है सम के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम 6, 7, 8, 9, 10 बाकी के 5 कर लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।